जगन्नाथपुरी में तीन रथ निकलते हैं, जगन्नाथपुरी में हाँ तीन रथ होते हैं ना, वो निकलते हैं हाँ। तो पहले तो जगन्नाथ का हाँ, वो भी अष्टदेव का मड़का है हाँ? दूसरा कुबेर, वो भी अष्टदेव का, दूसरा कुबेर का रथ हाँ ठीक है। और जो तीसरा जो निकलता है हाँ, वो भी अष्टदेव में कहाँ है, अष्टदेव में काल बद्र है वो, बोलते तीसरा बलभद्र बलभद्र हाँ वो बलभद्र, तीसरा मणका कहाँ है अष्टदेवों का, थर्ड क्लास को कैसे तीसरा मणका कहेंगे, वो तो छत्र छाया मुआफिक काम करने वाला है ना। राम की राजगद्दी में छत्र लेकर किसको दिखाया है, लक्ष्मण को दिखाया है। लक्ष्मण वाली आत्मा कौन से धर्म का बीज है, बौद्ध धर्म का बीज है। और तो जो छत्र दिखाएगा, छत्र छत्र छाया में रखेगा, छाया में रखने की सेवा करेगा, वो दास दासी हुआ या राजा हुआ, तो दास दासी की लिस्ट में आ गया। अष्टदेव दास दासियों की लिस्ट में होंगे बस। और दो दांत कहाँ है, एक टूटा हुआ दांत है, एक दांत बाहर दिखाया गया, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, ऐसे गायन है। हाँ टूटा हुआ है, एक दांत है उनका पूरा है हाँ, तो टूटा हुआ तो थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा ना है? खंडित तो है हाँ। और बाबा जब सागर का मंथन हुआ, इट मीन्स यहाँ ज्ञान सागर का मंथन हो रहा है, तो इसमें से 14 रत्न निकले हैं, तो चार पांच का तो नाम पता है, जो इसके बाद का जो नहीं नाम पता है हाँ। जो मैं बोल रहा हूँ उसकी वो वाला बात, तो मंथन करके निकालो बाबा, मैं पांच सात को तो निकाला, जैसे लक्ष्मी निकला है, जैसे विष निकला हाँ, अमृत निकला, हाथी निकला, घोड़ा निकला, लक्ष्मी निकली हाँ, इसके बाद वाला कौन कौन है बता, उनको मंथन करो बाबा। मैंने इतना तक मंथन कर दिया, किसी को बताना होता है कि जैसे ज्ञान सागर का मंथन चल रहा है, तो ज्ञान सागर का मंथन चल रहा है। अरे सागर का मंथन करते कौन है, सागर करता है या देव और दानव करते हैं है? देव और दानव करते हैं, देव पूछ पकड़ के चलते हैं, फॉलो करते हैं। शिव बाबा जैसे आपने कहा हम वैसे ही चलेंगे, हम मीन में कुछ नहीं निकालेंगे। देवता क्या करते हैं, जैसे बाप ने बोला वैसे चलेंगे। जो भक्ति मार्ग में यादगार है, क्या गुरुजी ने जैसा कहा, सत्य वचन महाराज ठीक है, दया निधान सत्य है दया निधान, तो भगत अच्छा माना जाता है। यहां भगत की बात नहीं है, यहां काय की बात है, यहां बच्चे की बात है। बाप ने कही और बच्चे ने मानी, कोई मीन मेख नहीं, तो उसको कहेंगे पूंछ पकड़ने वाला, फॉलो करने वाला। और जो राक्षस होते हैं वो क्या करते हैं, वो मुख पकड़ते हैं, वो मुख पकड़ते हैं। माना मुख पकड़ने का मतलब क्या, कोई बात बोली ए तुमने क्या बोला, ए मुरली मैं ऐसा बोला, इसका क्या मतलब, ये ऐसे हुआ, तो ये हो गया मुख पकड़ना। अब जो मुख पकड़ते हैं उनको जवाब तो दिया जाएगा कि नहीं। सांप का अगर मुख पकड़ा जाए, सांप का मुख पकड़ा जाए तो फुफकार मारेगा, काटेगा या नहीं काटेगा, विष उगलेगा या नहीं उगलेगा, उगलेगा तो वो ज्वाला निकलती है, उस ज्वाला से वो जलते रहते हैं। कितना भी मुंह पकड़े, जितनी बार मुंह पकड़ेंगे उतनी बार उनको जवाब मिलेगा। और कड़क जवाब मिलता है,
या प्यारा जवाब मिलता है, कड़क जवाब मिलता है। तो जब कड़क जवाब मिलता है तो दिल जलेगा या प्यार करेगा? जलेगा। तो मुख में से ज्वाला दिखाई गई है सागर मंथन में, वो ज्वाला से वो आहत होते रहते हैं, घायल होते रहते हैं, ऐसे दिखाया है। और बाबा भक्ति काल में जब श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध तो श्राद्ध के दिन गौओं को पहले देते हैं, उसके पास गौ और कुत्ते को देते हैं और पंडित जी को सबसे लास्ट में, ऐसा क्यों? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में कौओं का पार्ट किसका है? कौन से धर्म वालों का है? है? कौन? आर्य समाज। बहुत काव 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 करते हैं, लेकिन सिवाय गंद खाने और गंद खिलाने के दूसरा कोई धंधा उनका रिजल्ट में नहीं आता है। गंद को बढ़ाने वाले हैं, खाने वाले हैं या खत्म करने वाले हैं? बढ़ाने वाले हैं। 5-star होटलों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। और उन 5-star होटलों में बड़े बड़े आदमी ज्यादा गंद करते हैं या छोटे छोटे? बड़े बड़े आदमी ज्यादा गंद करते हैं। तो उनका धंधा ही है कौओं का, गंद खाना और काव काव करके सबको गंद खिलाना। अब समझ में आ गया क्या है? अरे प्रश्न क्या था कि आपने किया था? हाँ, जब श्राद्ध करेंगे तो श्रद्धा पूर्वक पहले पहले किसको खिलाएंगे? है, कौओं को खिलाएंगे। ये भक्तों का काम बताया। भक्त भगवान को जल्दी नहीं पहचान पाते, नीचे से सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे या एकदम ऊपर की सीढ़ी पहुंच जाएंगे? नीचे से ऊपर को चढ़ते हैं। और बाबा मुरली में बाबा बोलते हैं कि हर आत्मा अपनी अपनी कहानी बैठ आपने ही लिखी है। वापस से हाँ, तो शास्त्रों में ये सिर्फ शास्त्रों के रूप में लिखती है? हाँ, शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानी बैठ अपने आप लिखी है। जैसे बाबा कुछ जैसे लेखक होते हैं हाँ? वो भी ऐसे संस्कृत से कहानी बातें लिख देते हैं। जैसे बाबा कालिदास ने शकुंतला दुष्यंत की कहानी लिखी है। हाँ, तो उसमें जो नायक है दुष्यंत वो किसका पार्ट होगा? हाँ? अरे दुष्ट माने दोष, अंत माने अंत, दोषों का अंत करने वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट होगा? हाँ? अरे कालिदास की बात हो रही है यहां पर, रामायण की बात नहीं हो रही है। कालिदास ने जो शाकुंतल रेखा है, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने दोषों का अंत किया? अरे यादव जी महाराज है। अरे माँ काली जब जीप लपलपाती हुई आगे बढ़ती है तो पांव के नीचे कौन लेट जाता है? तो किसका दास हुआ? काली का दास हो गया। और क्यों नहीं समझा जा सकता है? बाबा ने तो इशारा दे दिया। रामायण किसने लिखी? अरे रामायण में हीरो पाटधारी कौन है? राम वाली याद। हर एक धर्म ग्रंथ में जो लिखने वाला लेखक है उसने अपनी प्रशंसा की है या दूसरों की प्रशंसा करेगा? अपनी अपनी प्रशंसा अपने मुंह से कर दी है। इस राज को बाप आकर बताते हैं। और बाबा एक बस बता दो, बाइबल किसने लिखी? जो बाई जी के बल पर चलते हैं वही बाइबल लिखेंगे? तुम्हें पता नहीं है कि रावण किसकी पूजा करता था?
जो देवी की पुजारी हैं वो कौन से संप्रदाय हैं? रावण संप्रदाय हैं। तो जो रावण संप्रदाय हैं, उन रावण संप्रदायों में सबसे ज्यादा अत्याचारी कौन हुए हैं? इस्लामी हुए हैं। इस्लामियों ने नहीं इतने अत्याचार किए हैं, अरे क्रिश्चियंस ने बहुत अत्याचार किए हैं। हाँ की है, लेकिन अत्याचार अतिआचार मारकाट तो जब से द्वापर शुरू हुआ तब से ही होती चली आ रही है। और बाबा जैसे मुरली में ऐसे बोलते हैं बाबा कि अब तो तुम्हें एक बाप मिल गया, तो तुम एक बाप को क्यों नहीं याद करते? हाँ अगर अनेकों को याद करोगे तो बाप तुमसे नाराज हो जाएंगे। हाँ मुरली में ऐसे बोलते हैं। ठीक है तो बाबा जैसे अभी तो हमारी याद व्याभिचारी है। हाँ अभी तो हमारी याद व्याभिचारी तो 100% नहीं हुई बाबा। अभी विचारी नहीं हुई, अभी विचारी 100% नहीं हुई। 100% अभी विचारी नहीं है। तो बाबा ये सर्वव्यापी की शूटिंग हो रही है, मतलब सगे संबंधी भी याद आते हैं। अगर सबसे ज्यादा याद किसकी आती है जीवन में? अरे जीवन में, सामान्य जीवन में, लौकिक जीवन में सबसे ज्यादा याद किसकी आती है? पुरुषों को किसकी याद ज्यादा आती है? स्त्री की ज्यादा। और स्त्रियों को किसकी ज्यादा याद आती है? पतियों की ज्यादा याद आती है। कन्याओं को किसकी ज्यादा याद आती है? माँ बाप की नहीं, उनको भी होने वाले पति की ज्यादा याद आती है। तो 63 जन्मों में जिनको ज्यादा याद किया है पति परमेश्वर हुए हैं। वो अपना हिसाब किताब पूरा करेंगे कि नहीं? कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रही है? तो गलत बात है क्या है? उनसे हिसाब किताब जोड़ा किसने? हमने खुद जोड़ा या कोई दूसरे की गलती है? हमने खुद जोड़ा। तो याद भी संगम युग में विभिचारी आएगी या एक शिव बाबा की याद आएगी? किसकी याद आएगी? व्यभिचारी याद आएगी। अब जिसकी याद आती है उसे प्यार तो होता ही होता है। जिसकी याद आएगी, प्यार करने वाला जो है वो उसके नजदीक जाना चाहेगा या दूर भागना चाहेगा? न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक नजदीक जाना चाहेगा या दूर भागेगा? है ऑटोमेटिक नजदीक जाना चाहता है। तो शिव बाबा से दूर हो जाएगा या नजदीक जाएगा? शिव बाबा से दूर हो जाएगा। और इनको आगे वालों को समझ में नहीं आ रहा है, लंबे कान करके सुनो। गुरु ग्रंथ साहब को लेते नहीं है, गुरु नानक देव की जयंती आती है गुरु उसको लेके जाते हैं, सर लेकर जाते हैं, लेके जाते हैं गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ को सर पे लग करके जाते हैं, कपड़े में लपेट के लेके जाते हैं उसका, कपड़े में लपेट के लेके जाते हैं ना गुरु ग्रंथ साहब को, उसके बाबा ने बोला ट्रक में रख करके शास्त्रों को परिक्रमा दिलाते हैं। संगम युग में हमारे शास्त्र कौन से हैं? मुरली। जो मुरली का ज्ञान, जो भी मुरली का ज्ञान शिव बाबा से आता है वो कौन से ट्रक में रखा जाता है? कोई ट्रक प्रसिद्ध है? अरे कोई ट्रक प्रसिद्ध है?
ट्रक है कि कार है? अरे है? क्या है? शरीर रूपी रथ है ना, उसका नाम ट्रक दे दिया है। तो वो प्रैक्टिकल में पार्ट चलता है तभी तो ट्रक में रख करके शास्त्रों को घुमाते हैं। ये प्रैक्टिकल में पार्ट चलता है, वो पार्ट जो ट्रक का पार्ट बजाता है वो चारों तरफ घूम घूम कर परिक्रमा लगाता है। उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में जो भक्त हैं वो ट्रक में शास्त्रों का ज्ञान रख करके परिक्रमा लगाते हैं। और डीवीडी में भी, डीवीडीओ के उसमें भी ट्रैक होते हैं अलग अलग, हाँ 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 अलग अलग ट्रकों में ट्रैक घुमाओ, एक ट्रक नहीं अच्छा लगता है तो अलग अलग ट्रैकों में चलो। हाँ ओम शांति।